जामताड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज के पास टैंकर और पोल्ट्री पिकअप वैन में सीधी टक्कर हो गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। हल्की चोट टैंकर चालक को लगी है। इतनी जोरदार टक्कर थी कि पोल्ट्री पिकअप वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो प्रभारी थाना प्रभारी रंजीत राम दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। वहीं घायल टैंकर चालक को इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार टैंकर गोड्डा से धनबाद जा रहा था तथा पोल्ट्री पिकअप वैन धनबाद से मालदा जा रही थी। इसी दौरान घटना घट गई। दोनों वाहन एक दूसरे से टकरा गई और सड़क किनारे झाड़ी में चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वाहन चलाते समय संभवत चालक को नींद आ जाने के कारण ये घटना घटी है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे थे? गोड्डा से। कैसे घटना हुआ? वो दाहिने चढ़ के आ गया, लग गया उसके पीछे में करके बचाते बचाते लग करके गाड़ी घूम गया। चोट लगा है क्या? लगा है हल्का। कहाँ जा रहे थे? हम धनबाद जा रहे हैं। हम लोग अभी धनबाद से। कहाँ जा रहे थे? मालदा। कैसे घटना हुई? कैसे वो उसका नींद आ गया क्या? हम सीधा जा रहा था, ठीक है। वो हमको बाएं तरफ दाहिना तरफ चाप के आ रहा था। हम कच्ची में नमाया तो भी मार के वो नीचे नम गया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स। हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स। रिश्ता मजबूती का।